हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नोट्स के माध्यम से गुड्स ट्रेन में प्रयोग किए जाने वाले एसएबी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एसएबी क्या है, एसएबी कितने प्रकार के होते हैं, एसएबी में ए और ई डायमेंशन क्या है, उससे संबंधित बातें करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। एसएबी का मतलब होता है हमारा सेलेक्ट एडजस्टर बैरल। इसकी अगर बात कर परिचय की तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा चक्के और ब्रेक ब्लॉक के बीच गैप को पूर्ण निर्धारित सीमा के अंदर रखा जाता है। इसके लगाने से ब्रेक ब्लॉक के खींचने के कारण चाल को बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर बात की जाए कि एसएबी कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला कोचिंग में हमारा डीआरबी 450 तथा गुड्स में हमारा डीआरबी 600 का प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारा कोचिंग में एसएबी का प्रयोग समाप्त कर दिए गए हैं, क्योंकि ये कन्वेंशनल टाइप कोच में प्रयोग किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में हमारा आईसीएफ में हमारा बीएमबीसी यानी बोगी माउंटेन ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग हो रहे हैं, जिससे हमारा कोचिंग में होने वाले हमारा एसीबी का प्रयोग समाप्त कर दिए गए हैं। अगर टीआरबी के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो डीआरबी का फुल फॉर्म हमारा डबल रैपिड बल्ब होते हैं। अगर ए डायमेंशन की बात की जाए कि ए डायमेंशन हमारा क्या होता है एसीबी में, तो ए डायमेंशन हमारा एसीबी के बैरल और कंट्रोल लड के बीच की दूरी को हम ए डायमेंशन कहते हैं। यह तब लिया जाता है जब गाड़ी यानी ब्रेक पूर्णतः रिलीज अवस्था में हो। अगर बात की जाए कि ए डायमेंशन कोचिंग में कितने होते थे तो ये हमारा 16+2-0 mm होते हैं, जो 13 टन एक्सल लोड के लिए है। अगर बात की जाए 16 टन एक्सल लोड के लिए ए डायमेंशन कितने होते थे तो ये हमारा 22+2-0 mm होते थे। अगर गुड्स की बात करें ए डायमेंशन की तो 50 mm हमारा वैक्यूम ब्रेक के लिए होता था, जो हमारा बॉक्स BCX ये सब होते थे। इसमें अगर इन लगा दे तो न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम हो जाते हैं, जो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम बॉक्सन तथा BCN और सभी लगभग सभी गुड्स के लिए हमारा 70+2-0 mm होता है ए डायमेंशन। सिर्फ बोबी आरएन के लिए हमारा, जिसमें हमारा सिर्फ बॉटम डिस्चार्ज होते हैं सीध, उसका हमारा 27+2-0 mm इसका ए डायमेंशन होते हैं। अगर बात करें ए डायमेंशन से जुड़े तो एक बार सेट करने की जरूरत पड़ती है शुरुआत में, यानी सर्विस के दौरान इसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता ब्रेक ब्लॉक तथा चक्के के घिसने के कारण, क्योंकि इसके शुरुआत में ही हमें एक बार इसे सेट करना पड़ता है। अगर दूसरी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन स्ट्रोक को करेक्ट डिटरमाइन करता है, जिसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ए डायमेंशन की आ जाती है। अगर बात करें इसमें ए डायमेंशन की तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल लड हेड तथा एसएबी बैरल के बीच के डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ए डायमेंशन होते हैं। तथा अगर ई डायमेंशन के बारे में बात की जाए तो एसएबी के प्रोटेक्शन ट्यूब और स्पिंडल यानी स्क्रू रड पर बने कट मार्क के बीच की दूरी को हम ई डायमेंशन कहते हैं। यह तब मापा जाता है जब स्क्रू रड पूर्णतः रिलीज अवस्था में हो। अगर इसकी ई डायमेंशन और कोचिंग में बात की जाए तो ये हमारा 375+25-0 mm होते हैं, तथा गुड्स में हमारा 555+0-0 mm हमारा सभी के लिए होते हैं। सिर्फ हमारा BCN HL का एक अलग होता है ई डायमेंशन, इसका डायमेंशन हमारा 560+25-0 mm होते हैं। अगर इंपोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए इसमें हमारा ई डायमेंशन की तो यह डायमेंशन ब्रेक ब्लॉक और व्हील ब्रेक गियर पिन और बूश के घिसने के साथ साथ हमेशा हमारा घटते रहते हैं। तथा सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो ई डायमेंशन जब सभी ब्रेक ब्लॉक चक्के गियर पिन नए होते हैं तो ई डायमेंशन मैक्सिमम होते हैं, यानी बात की जाए कि ए डायमेंशन हमारा कांस्टेंट रहते हैं, जिसको एक बार ही हमको सेट करना पड़ता है, तथा ई डायमेंशन हमारा चक्के तथा ब्रेक ब्लॉक के घिसने के कारण हमारा घटते रहते हैं। जब ये नए होते हैं तो ये हमारा ई डायमेंशन मैक्सिमम होते हैं। अगर ई डायमेंशन देखें कि कहाँ होते हैं तो हमारा ई डायमेंशन देख सकते हैं यह प्रोटेक्शन ट्यूब तथा हमारा पुल रड, जो हमारा स्क्रू रड होता है उसके कट मार्क के बीच जो ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं ये हमारा ई डायमेंशन होते हैं। सेलेक्ट एडजस्टर बैरल
को जब हम ब्रेक ब्लॉक के गैप और ट्रेड के बीच गैप को कम करना होता है हमको, तो इस केस में हमारा एसएबी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसके बीच हमारा ब्रेक ब्लॉक की जो स्पिन, जो हमारा ब्रेक बाइंडिंग समस्या होती है, वो हमारा काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं और गैप हमारा बढ़ जाते हैं ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच। देख पा रहे हैं बैगन में हमारा 600 DRB यानी डबल रिपीट वाल्व और कोचिंग में हमारा 450 डबल रिपीट वाल्व का प्रयोग किया जाता था है। अगर एसीबी की देख सकते हैं आप, ये हमारा एसीबी हेड हो गया, ये हमारा प्रोटेक्शन ट्यूब, एसीबी बैरल तथा एसीबी स्क्रू यहाँ पर हमारा हो गया।